यहाँ पर एग्जाम्पल वन में दिया गया टू वेसल्स कंटेन्स टेन लीटर एंड थर्टी लीटर ऑफ वाटर पास दो वेसल्स है फर्स्ट वेसल के अंदर टेन लीटर्स पानी है और वेसल के अंदर थर्टी लीटर्स पानी और यहाँ पर दिया गया मीन और एवरेज अगर ये दो वेसल्स अगर की जगह सेम अमाउंट ऑफ लीटर्स शेयर करते तो हर एक वेसल के अंदर कितने अमाउंट ऑफ लीटर्स होते उसे कहते हम एवरेज या एथमेटिक मीन जब हम इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो हम एवरेज या एथमेटिक मीन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। यहां पर अगर मैं सेकेंड के अंदर से टेन लीटर्स कर फर्स्ट वेसल अंदर डाल दूँ तो यहाँ पर हर एक वेसल के अंदर हो जाएगा ट्वेंटी लीटर्स यहाँ पर एवरेज या मीन आ जाएगा ट्वेंटी इसको हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे तो यहाँ पर टेन और थर्टी लीटर्स पानी था तो इन दो नंबर को हम लोग एड कर देंगे टेन प्लस थर्टी और क्योंकि यहाँ पर दो वेसल्स थे तो इसे हम डिवाइड कर देंगे टू से तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्टी डिवाइडेड बाई टू यहाँ पर टू वन आ जाएगा टू ट्वेंटी आ जाएगा और हमें मिल जाएगा ट्वेंटी लीटर्स तो यहाँ पर दो वेसल्स का एवरेज आ जाएगा ट्वेंटी लीटर्स चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर दिया गया बैट्समैन स्कोर 25, 36 थर्टी सिक्स एंड टू रन थ्री मैच फाइंड इज एवरेज रन एक बैट्समैन तीन मैचेस खेलता है और फर्स्ट मैच में 25 फाइव रन स्कोर करता है सेकंड मैच में 36 और थर्ड मैच में टू रन तो हमें यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे इन नंबर को एड कर देगी और इसे डिवाइड कर देगी थ्री से क्योंकि उस बैट्समैन ने तीन मैचेस खेला था तो यहाँ पर हम इन सब नंबर को एड कर रहे ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी और उसको डिवाइड कर रहे थ्री से तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने पर आंसर मिल जाएगा ट्वेंटी वन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंज द डिफरेंस बिटवीन हाइस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज फ्राम सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड रेंज अगर हमें कुछ वैल्यूज दी गई है और हम हाइएस्ट और लोएस्ट के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं रेंज तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया मार्क्स बाय अ स्टूडेंट इन सम टेस्ट आर गिवन बिलो फाइंड रेंज यहाँ पर एक स्टूडेंट ने कुछ टेस्ट दिया था और उन टेस्ट के मार्क्स यहाँ पर दिए गए तो हमें यहाँ पर रेंज फाइंड आउट करना है तो रेंज की डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि रेंज इक्वल होता है हाईस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू के तो यहाँ पर इस सेट ऑफ नंबर के अंदर नाइन हाइस्ट वैल्यू है और थ्री लोएस्ट वैल्यू तो हम नाइन को सब तक कर देंगे थ्री से तो नाइन मस थ्री इक्वल टू हो जाएगा सिक्स के यहाँ पर हमें रेंज मिल जाएगा सिक्स तो हमारा एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है